तो आज से ही हमने शुरू कर दिया कि आज से ही काम करेंगे। अब कम से कम सप्ताह में एक दिन तो यहाँ जरूर आएंगे, वहीं से बैठ करके काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। नए साल के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी नए तेवर में नजर आ रहे हैं और इस बार उनका अलग तेवर है और कड़ा तेवर है। जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार पर सवाल के बौछार किए जा रहे हैं, चाहे वो अपराध को लेकर के हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर राजनीतिक संकट को लेकर के हो, तो नए साल के साथ उन्होंने कड़े तेवर की शुरुआत किया और नए साल में नए सचिवालय को छोड़ करके वो पुराने सचिवालय चल गए। आपको याद होगा 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, पुराने सचिवालय से सरकार चलती थी और फिर से नीतीश कुमार पुराने सचिवालय एकाएक पहुंच गए और सभी अधिकारियों को चौंका दिया और वहां लगभग 3 घंटे से ज़्यादा समय तक बैठकें भी की। और उन्होंने साथ ही कहा कि कभी कभी आते रहे हैं लेकिन अब सप्ताह में 1-2 दिन यहाँ आकर के काम करूँगा, सचिवालय से ही कम से कम 1 दिन काम यहाँ आकर के करूँगा। जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार पर सियासी संकट के भी खतरे मंडरा रहे हैं, बीजेपी और जदयू के बीच रिश्तों में जो तलखी आई है इसको लेकर के लगातार राजनीतिक गलियारों में खबर आ रही है कि बीजेपी और जदयू के बीच के रिश्ते सही नहीं हैं। इसको लेकर के भी मीडिया जब उनसे सवाल पूछा कि क्या लगता है कि सियासी संकट है एनडीए में, तो उन्होंने कहा कि कोई सियासी संकट नहीं और टाल दिए। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में ये खबर है कि बीजेपी और जदयू के बीच में अरुणाचल के मामलों को लेकर के रिश्तों में तलखी बढ़ी है, उससे तो कहा ही जा सकता है कि बिहार के राजनीतिक गलियारों से राजद परिवार जिस तरह से नीतीश कुमार पर चुप्पी साधे हुए तैयार है कि जिस तरह क्या कुछ करना है नीतीश कुमार को मनाने के लिए, या फिर राजद के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको टास्क दिया गया है कि नीतीश कुमार से बात करें। वहीं राबड़ी देवी ने भी कल कहा था कि महागठबंधन में नीतीश कुमार को लाने के लिए बड़े नेता जो वरिष्ठ नेता हैं और विचार हो रहा है। वहीं अब नीतीश कुमार कड़े तेवर में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं तस्वीर देखिए और समझिए कि पुराने सचिवालय में जाकर के क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार। जिस तरह से 2005 की बात करें, 2005 में से जब सरकार बनी, कंट्रोल हुआ सबसे पहले भ्रष्टाचार, क्राइम, करप्शन पे कंट्रोल हुआ था। उसके बाद अब कहा जा रहा है फिर से कड़े तेवर में है और पुराने सचिवालय से ही नीतीश कुमार अब सरकार चलाएंगे। तस्वीर देखिए और सुनिए क्या कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं। बराबर यहाँ आते रहे हैं लेकिन इधर कुछ साल से थोड़ा आना जाना कम हुआ, फिर मेरे मन में बात आ गई कि नहीं हम यहाँ बैठ करके काम करेंगे। तो आज से ही हमने शुरू कर दिया कि आज से ही काम करेंगे। अब कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो यहाँ जरूर आएंगे, वहीं से बैठ करके काम करेंगे। 2021 में कौन कौन सी चुनौतियाँ होंगी आपके सामने और कौन कौन से बड़े काम है जो पूरे करेंगे? हम तो चुनौतियों को के बारे में तो नहीं सोचते हैं लेकिन जो जनता की सेवा में काम करना है, लोगों की सेवा में जो काम करना है, मेरे लिए वही महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं पहले से जो काम कर रहे हैं उसके अलावे और भी जो काम इस बार हम लोगों ने तय किया है, उन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जो उसके लिए योजना बननी है उस सब पर काम किया जा रहा है। और लगभग एक एक चीज़ के बारे में उसका सर्वेक्षण भी करा करके, कहाँ किस तरह से कौन सा काम तेज़ी से हो सकता है उसके बारे में बातचीत करके। और आप जानते हैं कि इस बार जो बजट आएगा उसमें कई चीज़ों के लिए उसका प्रावधान किया जाएगा ताकि इस काम को हम लोग शुरू कर सकें। तो इसके लिए एक एक चीज़ को सोचना है। और दूसरी बात है कि हर विषय को देखते रहना पड़ता है बीच बीच में कि कोई भी काम हो रहा है उसमें कहाँ बाधा आ रही है और जो भी निर्णय लिया गया उसके क्रियान्वयन में कोई कहीं कोई कठिनाई है, उसमें कोई और दूसरा निर्णय लेना है या कोई नया निर्णय लेना है, तो इन सब चीज़ों पर सोचना और उसकी बराबर समीक्षा करना यह भी जरूरी होता है। और तब अगर किसी चीज़ को आप साइट पर जाकर के देखेंगे और लोगों की बात को जानेंगे तब उसको और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन में सहूलियत मिलती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये काम करते हैं और आप जानते हैं फील्ड में भी जा करके बहुत चीज़ों को देखते हैं, तो उससे एक निर्णय लेने में एक जानकारी का एहसास होता है और बेहतर ढंग से काम कैसे हो सकता है इसका भी एहसास होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ही हमारा कर्तव्य है, जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। कोई सियासी संकट नहीं आ रहा सर? नहीं, कोई संकट नहीं।
सारे लोग भूख के बड़े संघर्ष करा के अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।